सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दोबारा आ चुके हो नई वीडियो के साथ। देखो ये है आइसक्रीम टू गेम, जिसने आइसक्रीम वन की जो हमने मतलब आइसक्रीम टू की आज से सीरीज स्टार्ट करी है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, तो जिससे आपको पता चल सके कि आगे वाले जो सीरीज है हमारे चैप्टर जो आपको पता चल सके कैसे कब कब आने वाले हैं या आ गए हैं। ओके ठीक है, तो जिसने आइसक्रीम वन की जो हमारी सीरीज है वो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जुड़ा के देख लेना। तो मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप आई बटन पर क्लिक कर भी दे सकते हो। तो देखो ये हमारा गेम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक पहले एक मोटा हमारा दोस्त था जिसको हमने बचा लिया था आइसक्रीम वन में, तो इसमें अब मोटी लड़की है ये। तो हाय आर यू गिविंग टू कार्पेंटर। नहीं भाई मैं नहीं आ रहा, वो पीछे आके तो मैं अभी जमाने वाला था, मैं उल्टी करने वाला था, उनको टेंशन ले थी मोटल लो। देख आया 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 ले तेरी बैड ले 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 गई साली खेल ले ले। अब ऐसी जमी की जमी ले आएगी तो भाई अब तो कुछ नहीं होना, फिर कोई पकड़ के ले आएगा। तो पकड़ने कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें छुड़ाने जाना पड़ेगा। तो वो जा चुकी है अंदर, उसने उसको बंद कर लिया है। तो ब्लैंकेट पहले हमने चाहता इसमें हमें ब्लैंकेट उठाना है। तो ब्लैंकेट जो है हमारा शायद बेड वाला, वैसे हमारा रूम वैसे ही वैसे हमने कंप्यूटर रख लिया। हम कमी मतलब अमीर हो गए थे सकता है, हम पिछले वाले एपिसोड से अलीम मतलब हमारे मम्मी पापा ने जो है वो दिला दिया पैसे कंप्यूटर के लिए, पैसे दे दिए। तो हमने कंप्यूटर जैसे कुछ भी टाइप करें तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, एरर दिखा रहा है। अब चुती आप हटाओ उसको, बेकार है ये। कौन सी कंपनी का, जो सी कंपनी का हो बेकार हो। ये देखो हम चारों दोस्तों की फ़ोटो लगी हुई है, हम ड्रॉर चेक कर लेते हैं। बट ड्रॉर में कुछ है तो नहीं है क्योंकि पिछली बार ड्रॉर में हमें रोप मिली थी। बेड, अच्छा यार ब्लैंकेट है हमारा बेड वाली, ठीक है। तो ब्लैंकेट को लेके जाना है एक बार, तो ब्लैंकेट को हम लगाते हैं इस कील पर और कील से नीचे उतरते हैं, देखते हैं कि क्या है। एक बार इधर भी चेक कर लेते हैं, कुछ है तो नहीं हमारे काम की चीज़ें। ये हमारी फ़ोटो रखी हुई है, यहाँ पर ड्रॉर चेक कर लेते हैं एक और बार, क्या पता हमें कुछ गंदी गंदी चीज़ें मिल जाए। तो हमें ये सिलिंग शॉट मिला है। अच्छा सिलिंग शॉट तो शायद हम उसको मारने के लिए मिला होगा, पर इसमें यार हमारे पास एक ही पत्थर है, हम पत्थर उठा सकते हैं क्या ज़मीन पर से। तो चलो यार अभी तो नीचे आ चुके हैं। बी केयरफुल, यू शुड नॉट हैव सीन, यू विल गेट इनटू ट्रबल, फाइनल प्लेस टू हाइड। अच्छा पहले हमें दुपकना पड़ेगा, वैसे जैसे पहले हमने करा था, पहले हम झोपड़ी में कुत्ते वाली झोपड़ी में दुपक गए थे, तो इसके बाद हम कुत्ते बन चुके हैं अब। तो भोको सब कुछ, तो ये हमारा ठुमका लगाते हुए आई छमिया हमारी, ये बाहर निकलती हुई डब्बा बंद करके। देखो हमारी जो बहन है या फ्रेंड है मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद वो हमारी फ्रेंड है, शायद वो मोटे लाला है ना, मोटा जो हमने पिछली बार उसको बचा था। तो देखो उसके ने अपनी गांड में से वो हक दिया है मैप, तो उसको हमें उठाना है अभी। तो उठाकर फिर हमें दोबारा अपनी मैप उसको मतलब वैन में जो है चिपकाना है। तो भैया हमारे पास सिलिंग शॉट है, सिलिंग शॉट से कोई डरने की बात है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता ही है हमें वो उठाना है, हमें बता मत, हमें इतनी चूतिया नहीं है, हमें पता है सब कुछ। हाँ पिछले वाले एपिसोड में आप कह सकते कि हम चूतिया था, हमें कुछ पता नहीं था, पहले एक डब्बा खोले थे क्योंकि मुझे अभी दिख नहीं रहा है वो कहीं भी आसपास। तो चलो अंदर भी नहीं है, नहीं है यहाँ पर कहीं भी नहीं है, पर आवाज़ तो आ रही है मेरे को थोड़ी बहुत यार, थोड़ी बहुत तो आवाज़ आ रही है। तो जल्दी से आप पहले स्लिंग शॉट को फेंकते हैं और मैप को उठाते हैं जल्दी से और मैप को लगाते हैं वैन में, तो देखते हैं अभी हम कहाँ जा सकते हैं। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं वैन में कौन कौन सी लोकेशन है हमारी, जहाँ तक है वही हो सकती है, नहीं नहीं सब अलग है, सर्कस है, सेमेट्री है, सिनेमा है। तो चलो भैया यार अभी हम पहले चलते हैं अपना, कहाँ चले देख लो तुम कहाँ पहुँचे, समझ गया ना सरकस। अच्छा यार पर कोई स्टोरी चल रही है, मार्च 1954, एक मोटा सा लड़का है। ये मोटा सा लड़का वही वाला है क्या हमारा दोस्त पहले वाला, लग तो नहीं रहा वो तो, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो रो रहा है भाई यार, बाय टू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, भाई रो क्यों रहा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मोटा है तो इसी वजह से रो रहा है, मतलब इतना खाता नहीं है फिर भी बेचारा इतना मोटा क्यों है। और एक क्लास में और भी बच्चे हैं, टार्स हमारे पास स्पेशल आइसक्रीम, तो वो शायद ही उस अपने आइसक्रीम वाले अंकल का बच्चा है, लड़का है लगता है मेरे को। अरे यार उसको सब चिढ़ा रहे चबी चबी करके, भाई कितना रो रहा बंदा यार। देखो यार चबी होना देखो अपने ऊपर तो नहीं होता, वो तो अपना अंधूर नहीं होता, पर देखो यार फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये हमें स्टोरी जो अभी मुझे कुछ पता नहीं चली, तो आगे देखते हैं खेलते खेलते कि क्या होने वाला है इस स्टोरी में। भाई देख लो अपना आना राइडर प्रो राइडर एंकर कैसे वैन से निकाल रहा अपनी गाड़ी को घुमा के। तो अभी तो देखो ये हमारी मोटी लड़की देखो यहाँ पड़ी है, और बेटी कैसी है, बेटा सही है, और खाओ आइसक्रीम तो मैं अपना लॉलीपॉप खिलाएगा आपको। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोना। तो देखो अभी तक तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सर्कस में काफ़ी डोर है यहाँ पे लॉक है पर। अरे यार वो देखो आइसक्रीम, अरे काफ़ी बड़ी जगह है, मतलब इसे कोई पकड़ने कोई हमें कुछ चांस बन नहीं सकता है कि हमें पकड़ सके, मतलब पकड़ पाए। एक बिल्डिंग जा रही है ऊपर, तो अभी तक तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये वाला डोर खोल के देखिए, तो ये वाला डोर अभी बंद है, द डोर इज लेट फ्रॉम अंदर से, इसके अंदर से कुंडी लगी हुई अंदर से तो ये नहीं खुल सकता। तो इसका अंदर से कोई और रास्ता होगा जहाँ तक कि आगे इन फ्यूचर कहाँ मतलब इन वीडियो आगे देखते हैं कि अभी तो कहीं है नहीं, ये अभी घूम के जाते देखते हैं। बहन का लोड़ा कहाँ गया ये,
तो अभी तो देखो यहाँ पर, अरे यहाँ पर कुछ बना हुआ है बे। अभी तो वही मोटा अपना है। अबे वो तेरी बहन है, कौन है वो? वो फंसी हुई है वैन में। अबे यार तुम चूतिया यार, उसको हम लेके क्यों नहीं जाते हैं? इसको हम तीन है भयंकर, टेंट बनवा देंगे उस आइसक्रीम वाले का। पर वो जो उल्टी करता है ना, तो यार उसमें मतलब हमें भी जमा सकता है वो ऐसा करके, तो हमें पकड़ के ले आ सकता है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी यहाँ पर हमें कुछ मिला नहीं है अभी, तो हमें जाते के अंदर जाने के लिए कोई पास ढूंढना है। तो पास ढूंढेंगे जब भी हम अंदर जा सकते हैं। मतलब ये साले हमें भी नहीं पहचाने, देख लो कितने दोगले दोस्त हैं भाई। ऐसे दोगले दोस्त किसी को ना मिले। इसमें देखते कुछ मिलता है या नहीं मिलता। मादर छोड़ दोस्त ले सकते हैं कि मतलब मुझे अंदर खुद नहीं आने दे रहे यार, बताओ। ये टिकट काउंटर चाहिए सर्कस से अंदर का। यहाँ पर वैसे कुछ काम का वैसे लग तो रहा है, कुछ काम का होना चाहिए। क्या करना है यहाँ पर? दुबक सकते हैं। अच्छा, दुबकने से वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। वो आधी खोपड़ी वाला बेचारा लंगड़ा है, टोटा है, वो लूला है, जो भी हो। तो आगे अभी यहाँ पर कुछ तो यार नज़र नहीं आ रहा। मैं खुद कन्फ्यूज़न में हूँ कि करना है क्या है यार मुझे। यहाँ पर ये एक बिल्डिंग जा रही है, एक सीढ़ी जा रही है ऊपर। पहले तो हम मैं यार क्या पास ढूंढते, ठीक है ना? पास ढूंढ के देखते हैं कि खुलेगा नहीं। बंद है सारा डोर। वे खोलो यार। अरे खोलो भाई, अरे खोलो, खोलो भाई, आने दो अंदर यार, मुझे वो मार देगा भाई। यार मेरी फ्रेंड अंदर वो हो रखी है यार, बंद हो रखी है, उसे जमा रखा है। ये डोर भी चेक कर लेते एक बार। खोलो यार टुक टुक। हाँ तुम्हारे पापा आए हैं, खोलो यार। नहीं खोल ले यार ये तो, कोई बात नहीं, चलो हटाओ इसको। तो अभी हम चलो देखते हैं कि वो कहाँ गए अंकल, और हम ऊपर चलते हैं सीढ़ियों पर। ये कोई घर बना हुआ है, वाला डोर खुलेगा। ये वाला डोर खुल चुका है, ये बहुत अच्छी बात करी है आपने। तो यहाँ पे एक किचन है, पहले स्टार्टिंग में किचन दे दी है। यहाँ पे इन ड्रॉर्स में कुछ रखा है क्या? इन ड्रॉर्स में मुझे तो अभी तक कुछ दिखा नहीं है। बीच वाला भी खोल के देख लेते हैं एक बार, मिल जाए झुमता लाला। अरे कुछ नहीं मिला यार, गैस जला सकते साले को, आइसक्रीम वाले को इसके ऊपर बैठा दूंगा साला, वो जम जाएगा यार। भूत वूत है क्या? मुझे कभी कभी लगता है वो भूत है। इस बीन को भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या मिला इसमें हमें? कैट फूड। कैट फूड किस काम का हमारा? कैट फूड मुझे पता नहीं है किसी काम का या नहीं, पर इसके बाद अगर ये जहाँ तक मिला है तो काम का ही होगा। तो हम इसको अपनी वैन में डाल लेंगे एक बार। तो एक बार ये अपने ये, अच्छा यहाँ पे कपड़े धरोगे, किसी आंटी के कपड़े हैं ये जिनके। अच्छा हैंगर, हैंगर का कुछ काम नहीं है। देखो आंटी है ये, कोई आंटी का रूम होगा कभी ये, मतलब कभी क्या यार, ये मुझे लगता है टपक गई है आंटी। आंटी टपक गई मुझे लगता है, वो आ रहा है और उसकी आवाज़ तो आ रही है यार, पर इसलिए कोई ख़तरा ना हो इसलिए हम पहले निकल ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है। तो इस कैट फूड को हम जल्दी से डालते हैं अपनी वैन में, और वैन को लेकर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहीं ना कहीं तो चलेंगे ही। तो पहले कैट फूड को डालते हैं अपनी वैन की गान में। तो चल हुर। तो व्हाट डज द आइसक्रीम मैन वांट फ्रॉम मी? तुमसे क्या चाहता है वो लल्ली? लल्ली तुम क्यों उनके पास गई थी आइसक्रीम लेने? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो जो तुम आइसक्रीम लेने गई थी, वो तुम्हें अपना लोली पर चुसा सकता है, तो इसलिए प्लीज़ ऐसा ना करे करो। ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पर दोबारा हम उसी सीढ़ी पे ऊपर भी एक जीने जा रहे हैं, ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। तो अभी हम रूफ पर आ गए हैं पूरा। तो यहाँ से अभी लगता है उसने हमें देख लिया क्या? कहाँ है वैसे आइसक्रीम आधी खोपड़ी वाला? ये वाला गेट खुल सकता है? नहीं वाला गेट बंद है। ऊपर चल के एक और बार देख लेते हैं। बिल्कुल यार हम तो एंटीना पर आ गए भाई। चढ़ना ही क्या कर रहा है? चढ़ ऊपर। अच्छा ऊपर करके चढ़ेगा ये, इसमें दिक्कत है बड़ी। ओ भाई हम कितनी ऊंचाई पे हैं। उस चीटों ने देख लिया हमें, देख लिया भाई। भागो भागो भागो, क्योंकि यहाँ से यार निकल तो सकते ही नहीं, इसलिए हमें जल्दी नीचे भागना पड़ेगा, क्योंकि छुपने की भी कोई जगह नहीं है। भाई 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 भाग 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 यार, देखो आ ही गया था, बच गए। इसलिए हमें ऊपर से नीचे गिरते रहे तो हमारा काम हो जाता, हमारे भाई उन्होंने टूट गया था भाई। कोई बात नहीं, अभी यहाँ से सीधे चलते हैं, देखते हैं। अभी तो हम वैसे चूतों की तरह घूम ही रहे हैं, और कुछ काम तो कर नहीं रहे। चूतों की तरह घूम रहे हैं रियलिटी में, और कुछ काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा यार, हमें लेना क्या है करना क्या है अभी। मतलब स्टार्टिंग है ना, तो धीरे धीरे पता चलेगा। पहले तो हमें डस्टबिन चेक कर लेते, ऐसा करते हैं खाली टाइम पड़ा हुआ, डस्टबिन चेक करें, डस्टबिन में कुछ मिल जाए हमें शायद। यार कुछ गंदी गंदी बुक्स ना मिल जाए, वो फिर तो मैं कमज़ोर हो जाऊँ मैं बांधने पर। अरे हमें पास मिल चुका है, तो यू फाउंड स्पेशल पास। तो हम अपने दोस्तों के पास अब जा सकते हैं। तो दोस्तों के पास चलते हैं, जल्दी खुल जाएगा। देखो कितने दोगले साले, पे बहन के लोड़ो कितने दोगलो मादर छोड़ो हैं, हो नहीं सकते थे यार। देखो बिल्कुल भी वो शर्म ब्याज तो है ही नहीं तुमने, बिल्कुल भी देख साले। हाँ वेलकम टू बैक्सीट लेयर, वेलकम टू साले मोटे, तुझे बचाया साले, तेरे भूल गया। तो उसके पास गन चार्ली नाम है इसका, तो आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, नो वन विल बीट माय रिकॉर्ड। तो कौन सा गेम है भाई? भाई चार राउंड खेल लेगा भाई, मैं छः राउंड खेल सकता हूँ, छः राउंड। तू बता तो सही एक बार, तेरा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाऊँ मैं। ओह ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है लोंडा, पर मीठा सा लग रहा थोड़ा बहुत ही। माय कार्ड इज देयर, आइटम आई फाउंड ओवर देयर, सॉरी यू नो व्हाट डू आई विद इट, इफ यू ब्रिंग मी समथिंग प्रीटी
आई गिव इट टू यू। ओके, तो ये कह रहा है कि मेरे को एक अच्छी सी चीज़ मिली है, बहुत बढ़िया चीज़ जो तुम्हारे यूज़ पे आएगी, और अगर आप वो मुझे कुछ अच्छी चीज़ ला के दोगे। अरे यार तुम्हें मर गया यार भाई, मुझसे गेम तो खेला नहीं, सड़ा सा गेम भाई क्या आई है। तो हाँ मैं उसकी कह रहा था कि अगर वो हमें अच्छी चीज़ को कुछ मतलब उससे एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो चलो हम इसको कूदे, इसको भी पार कर लेंगे। अरे यार ये उछल क्यों नहीं रहा यार, ऐसे मेरी गलती नहीं है यार, शिट यार फिलहाल तो मैं कौन सा कीड़ा आई है, ये तो किसी और से मिलता है। हाँ ये तो मेरे दोस्त के लोले से मिलता है भाई, कोई बात नहीं। तो हमारे तीन चांस खत्म हो चुके हैं, तो अब हम नहीं खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल भाई हार गया मैं तेरे से, उस गेम की बात कर रहा था, मैं किसी और गेम की सोच रहा था। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं। तो अभी हम इस डोर से बाहर निकलते, लगता है वो है तो नहीं बाहर, बाहर हो तो फालतू पकड़ ले। वैसे यहाँ पे मुझे कुछ और काम की चीज लगनी है, आप अपनी गंदे दे यार, गंदे दे भाई अपनी मोटे, ओए तो बहन के लोड़े गंदे दे भाई, नहीं देगा यार वो थी दोस्त ऐसे ही है भाई, एहसान भूल जाते हैं। देखो वो आ गया मेरे पीछे, हो आधी खोपड़ी का। चलो अभी ऊपर चलते, ऊपर जाके एक बार और चेक कर लेते कि ऊपर क्या था। मुझे लगता था कि ऊपर कुछ है, क्योंकि एक तार जा रहा है वहाँ से लटकते हुए, तो ये इस तार वहाँ तक जा रहा है सर्कस था। ओह केबल विदर राइट देम केबल, जिप लाइन। अच्छा अच्छा समझ गया, जो हमें नीचे हैंगर मिला था ना, वो जहाँ पे कपड़े धरते मतलब अलमीरा में हमें वो मिला था हैंगर, तो शायद हमें इसका एक हुक बना के हम कूद सकते हैं उसकी दूसरी साइड पर। दूसरी साइड पर कूदेंगे तो हम उस सर्कस वाले टेंट के अंदर जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कहाँ गया वो, तो बाथरूम में बैठ। ओह माय गॉड, बाथरूम में तो अच्छा था, बुढ़िया का खूब मजे लिए होंगे इसमें वैसे। यहाँ पे तो यहाँ पे हम छुपने की जगह मिल गई, यहाँ पे छुपने का कोई काम नहीं है, यहाँ मैं छुपता उपता नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं छुपाता हूँ बस कोने में ले आके गोपचे में। छुपाने के बाद में फिर मैं कुछ ऐसा काम कर देता हूँ कि मुझे खुद अपना मुँह छुपाना पड़ता है, पेन वेन कहते हैं, समझ रहा ना। छोड़ो यार मैं गंदी गंदी क्या बातें करा रहे हो मुझसे, अरे कहना क्या चाहते हो। चलो तो कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं, अब इसको जिप लाइन बना के अब हम दूसरी साइड पे जाते हैं जल्दी से। तो चल ऊपर, तो अभी हम चलने की कुछ समझ में नहीं आया, अबे गिर कैसे गए नीचे, अरे बाबली गांड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम खुद नहीं कूदेंगे, हमें नीचे देखते हुए जाना है, तो दोबारा कोशिश करते हैं एक बार, वन ट्राई ओके। खतरों के खिलाड़ी खेलने जा रहा हूँ, खतरों के खिलाड़ी सीजन 75। आइए हम आपको दिखाते हैं एक हैंगर से कैसे जिप लाइन बना के अपने आप को लटका सकते हैं, और हमारे पीछे का आइसक्रीम वाला अंकल पड़ चुका है दोबारा हमारी मारने को। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ऐसे करता हूँ मैं अपनी जमा लेता हूँ, ठीक है ना, अभी जल्दी आना। ठीक है ओके ओके। कूद कूद, अबे कूदा क्यों नहीं है, अरे यहाँ कहाँ लटक गए खंबे पे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वाह भाई वाह, इसको कहते हैं कौन सा, वो खजूर पर लटके आसमान से गिरे, खजूर पर लटके हम तो आसमान में, यार वो नीचे तो नहीं चला गया नाले में, बच गया भाई नाले में गिर जाते भाई, हमारा काम ही आता, अंदर ही नहीं जा पाते फिर तो। कोई दिक्कत नहीं है, फिर जल्दी से एक बार ट्राई और करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। पर अभी वो कोई आधी खोपड़ी वाला ऊपर ही है, इसका हमने क्या नाम रखा था, लुल्ला, लुल्ला नाम रखते थे, तो इसका लुल्ला ऊपर ही है अभी ये। अभी तो कहीं दिख नहीं रहा ये कहाँ गया, ये अंदर ही है क्या लगता है, अंदर गया तो हम जल्दी से ऊपर चलते हैं तीसरे फ्लोर पर, तीसरी मंजिल पर, बिल्कुल रूफ टॉप पर, जहाँ पे हमारी आसमां की वादियों में और वहाँ कोहरा ही कोहरा होता है। और भाई बस लैंड करा दे एक बार भाई, एक बार लैंड करा दे नीचे। केबल को पकड़ते हैं जल्दी से, जिप लाइन बनाते हैं जल्दी से, चलो अब की बार हम पक्का कूदेंगे। खतरों गाड़ी सीधे 75, ये भाई हम आ चुके हैं दोबारा, इसलिए बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए मेरे लिए भाई, पैर से हाथ से और कहां कहां से अपनी तालियां बजा सकते हो, वहां वहां से तालियां बज जानी चाहिए। तो मुझे नहीं पता, हमने इसको धक्का मार दिया, और धक्का मारने के बाद शायद कोई खुल गया क्या, कोई गेट वगैरह रास्ता वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, सीक्रेट टनल भाई सर्कस वालों। अच्छा भाई ये क्या गटर है क्या, अरे यार हम गटर में आ चुके हैं। अच्छा ओके ओके, गटर यार हम नीचे गिर गए, रास्ता नहीं क्या, हम ऊपर जाने का नीचे से रास्ता है क्या भाई, फंस तो नहीं आएंगे हम, बेबी ये भी गेट बंद है इधर से भी, मैं जाऊँ किधर से भाई, फंस गया मैं, बचाओ यार दोबारा फंस गया यार हद है। अच्छा यहाँ पर सीढ़ी है, सीढ़ी है, सीढ़ी बच गया बच गया बच गया, मैं छूते हूँ यार बिल्कुल, मैं डर गया था यार एकदम से, क्योंकि इतना हम आगे पहुँच चुके हैं और यार एकदम फंस जाते हैं। यहाँ पे क्या यार, कहीं मुट्ठी मुट्ठी मार रहे क्या भयंकर, देखो आ आ आ आ आ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ से भी गेट बंद है, यहाँ पे कोई चाय वगैरह नहीं लगनी है, यहाँ से हमारा तो कोई काम है ही नहीं है। और यहाँ से यार वो टोंटा मतलब लुल्ला ऊपर ना आ जाए, लुल्ला ऊपर से नीचे ना आ जाए, तो यहाँ से भी अभी शायद वाला गेट खुल सकता है, मुझे लगता है वाला गेट खुल सकता है, नहीं यार ये भी गेट बंद है, कोई काम नहीं है इस गेट का भी।
तो चलो फिर इस वाले को खोलते हैं। अच्छा यहाँ पे गेट है, गेट ओके भयंकर भाई, क्या गेट बना रखे यार, मतलब मिस्त्री कमाल के होंगे, मतलब इंजीनियर के लिए एक चुम्मा, अरे चुम्मा कहीं और रखा है। तो ये एक रूम आ गया है, छोटा सा यहाँ पे डोर है और यहाँ पे क्या पड़ा है, स्मॉल गैस कैनिस्टर। अच्छा अच्छा तो ये एक वो पड़ा हुआ है, सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो हमें स्क्रू ड्राइवर लाना, अच्छा स्क्रू हैं ये, और हमें रिमूव द स्क्रूज, अच्छा एलन रिंच लानी है, ओके ओके एलन रिंच ला के हमें इस स्क्रू को खोलना है। तो अभी हमें एलन रिंच ढूंढनी है पहले एक बार, तो और इस स्क्रू को खोल कर अपनी डिग्गी में रखेंगे इस सिलेंडर को। तो चलो गाइज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।